मल्टा मंसूरी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ थी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। दोस्तों आजकल आप सब कोई कुशी तो कायदा विषय सांभता हसो, खरेखर आ कायदो हतो गुजसी कॉक, एटले के गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट। पाछळथी आ कायदानो नाम बन्यू गुजसी टॉक, एटले के गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट। दोस्तों 2003 में आ कायदो गुजरात ना विधानसभा में पसार थयो अने सफलतापूर्वक पास पण थई गयो। ते वखते आ बिलना उपर हस्ताक्षर माटे आपणा ते समयना राज्यपाल सुंदरसिंह भंडारी जी ने मोकलवामां आव्यो। सुंदरसिंह भंडारीए आ बिल ने आपणा ते समयना राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद जी पासे मोकली आप्यो। अबुल कलाम आजाद जी ने आ बिल मां मानव अधिकारोनो हनन थतुं देखायुं। तेमणे आ बिल मां केवा सुधारा थवा जोईए, केवा होवा जोईए एवा सुझाव साथे आ बिल ने विधानसभा ने परत कर्युं। फरीवार आ बिल विधानसभा मां आव्युं, पास थयुं, फरीवार राष्ट्रपतिना पासे मोकलवामां आव्या। आम ए वखतना राष्ट्रपतिए पण आ बिल ने परत कर्युं। त्यार पछी फरी विधानसभा मां आव्युं, फरी आ बिल राष्ट्रपति पासे पहोंचाड़वामां आव्युं अने ते वखते आपणा राष्ट्रपति हता प्रणव मुखर्जी, एवे पण आ बिल ने परत कर्युं। आम आ बिल ने त्रण राष्ट्रपतिओए बिल ने परत कर्युं। छेवटे हालना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जीए 5 नवेम्बर 2019 ना दिवसे आ बिल ने हस्ताक्षर करीने बिल ने कायदा में रूपांतर करी दीधो। त्यारथी आ कायदो अमल में आव्यो। दोस्तों आजकल आ कायदो अमल में आवी गयो, खरेखर आ कायदो खोटो छे एवुं नथी, परंतु आ कायदा में क्यांक ने क्यांक मानव अधिकारोनुं हनन थाय एवुं देखातुं हतुं। तेथी ज आ ज्यारे कायदो बन्यो ते वखते केटलाक मानव अधिकारीना अधिकारना संगठनोए तेनो विरोध कर्यो हतो, कायदो बनी गयो। हवे हाल जे परिस्थिति छे ते हिसाबे हुं एम कही रह्यो छुं के गुजरातना पोलीस तंत्रने मारी एक विनम्र अपील छे के आ कायदामां कोई एवो निर्दोष व्यक्ति न संडोवाई जाए के जेना लीधे तेनुं समग्र परिवार खतम थई जाए अने कोई एवो भयंकर गुनेगार पण आ कायदाथी छटकी न जाए के जे समाज माटे भयानक, समाज माटे खतरारूप बनी सके। दोस्तों आ कायदाना अंदर केटली जोगवाईओ छे, ए जोगवाईओ आपणा समाजने रक्षण करवा माटे छे। पोलीस तंत्र घणुं सरस रीते कामगीरी करी रही छे, परंतु मारुं एवुं छे केवुं छे के आ कायदो ज्यारे 1919 सौ प्रथम महाराष्ट्रमां लाग्यो अने 1919 थी आज दिन सुधी महाराष्ट्रमां आवा ऑर्गेनाइजेशन क्राइम वधता गया, एटले एनो अर्थ ए थयो कि आवा कायदा होवा એ ગુનાઓ નહીં થાય એની કોઈ બાહેધરી નથી, છતાં પણ આપણે કાયદાનો ઉપયોગ કરી સમાજને રક્ષણ આપી શકીએ છીએ। મારું પોલીસ તંત્રને ફરી એક વિનમ્ર અપીલ છે કે આ કાયદાના અંદર કોઈ એવું ન સંડોવાઈ જાય કે જે નિર્દોષ હોય। મને વિશ્વાસ છે કે આપણું પોલીસ તંત્ર આ ગુનેગારોને, ખરેખર ગુનેગારોને પકડીને આપણા સમાજને સુરક્ષિત બનાવશે। આ માટે હું એમ કહું છું કે આવા ગુનેગારોમાં ગમે તે હોય, ગમે તે ધર્મનો હોય, ગમે તે જાતિનો હોય, ગમે તે પક્ષનો હોય, પણ એને સજા થવી જ જોઈએ। અને આ માટે ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ કાઉન્સિલ પોલીસની મદદ માટે હંમેશા ઉભેલું રહેશે। એટલું જ છે, જય હિન્દ દોસ્તો।